नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल में आज किसान आंदोलन को देखते हुए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सीआरपीएफ बीएसएफ वही हरियाणा पुलिस पूरी तरह से तैयार है और आप देख रहे हैं कि जो बैरिकेड है वो लगाना शुरू हो गया है। जो पुलिस फोर्स है वो भी पहुंचना शुरू हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि हरियाणा पुलिस की तरफ से बैरिकेड यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और मंडी में जो आज किसान आंदोलन उसकी पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस की तरफ से नमस्ते चौक पर अब ये बैरिकेड लगाए जा रहे हैं और पुलिस अब किसी भी यात्री को या किसी भी व्यक्ति को अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। जो भी किसान यहाँ पर पहुंचेंगे उनको रोकने के इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। बड़े बड़े जो ट्राले हैं उनको यहाँ पर लगाया जा रहा है और ट्राला किसी प्रकार से यहाँ पर आगे किसी को न जाने दिए पूरा रास्ता जो रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज लगभग 10 बजे किसानों को यहाँ पर पहुँच रहा है और जो ऐलान है कि आज नदी सचिवालय का घेराव करेंगे उसके लिए पूरी तरह तैयारियाँ कर दी गई हैं और पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैयार है। गेट पर नमस्ते चौक पर गेट पर यहाँ पर पुलिस फोर्स के सैकड़ों जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई भी किसान अंदर एंट्री ना कर सके। आप देख रहे हैं कि जो भी पुलिस बल है यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं ताकि कोई अंदर लघु सचिवालय की तरफ प्रवेश ना कर सके। मैं हूँ करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी। हेलो 367 है नंबर, एक बारी बोल आपकी बात करो वहाँ जाकर।
नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल में आज किसान आंदोलन को देखते हुए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं।